स्वागत है सभी का एटूजेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मतलब कि आज से ठोस अवस्था केमिस्ट्री का पहला लेसन हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, जो जैक द्वारा COVID-19 के चलते सिलेबस में कटौती किया गया है। सबको अब तक जानकारी हो गया होगा, तो नया सिलेबस जो 2021 के एग्जामिनेशन में वहीं से प्रश्न आएंगे आज हम लोग बारी बारी से एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिसमें आज पहला लेसन ठोस अवस्था की चर्चा करेंगे केमिस्ट्री का, और फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, और फिजिक्स में भी उसी प्रकार से हम लोग स्टडी करते चलेंगे। तो आप कॉपी कलम निकाल कर बैठे मेरे साथ और ठोस अवस्था को एक अच्छे ढंग से एनसीईआरटी पैटर्न से कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ये आपको जैक एग्जाम में 4 मार्क्स पे पूछा जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस पढ़ने हैं ये तो आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। आज हम लोग उसका एनालिसिस ना करके उसमें जो पढ़ना है आज हम लोग उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइटल हमारा था वहां पे 1.1 ठोसों का प्रकार। ठोसों का प्रकार, ठोसों का प्रकार था टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब ध्यान से देखेंगे ठोस का प्रकार से पहले आपको थोड़ा मैं बता दूं कि ठोस होता क्या है, और ठोस से पहले मैं बता दूं कि ठोस किसकी स्टेट है, किसका अवस्था है। तो मैं बात करूं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर कि ब्रह्मांड, अगर पूरे विश्व संसार की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो ऐसा कहा जाता था कि ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ से मिलकर बना है, पदार्थ से मिलकर बना है या द्रव्य से मिलकर बना है। लेकिन बाद में जब साइंस डेवलप किया, साइंस आगे बढ़ते गया, तो बाद में कंक्लूजन निकल कर आया कि नहीं, इस ब्रह्मांड में ऊर्जा भी है। ब्रह्मांड में क्या है, ऊर्जा भी है। तो ऊर्जा का स्टडी जो है ये आपको फिजिक्स में करना है। कहां पे करना है, फिजिक्स में। और एक पदार्थ की स्टडी जो है आपको केमिस्ट्री में करना है। अब पदार्थ की स्टडी केमिस्ट्री में करना है विच डील्स ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, जो मतलब जहां पे स्टडी किया जाता है मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया जाता है या पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री किसकी शाखा है, तो भाई साइंस का है। यहां पर देख लीजिए, अच्छा केमिस्ट्री की जब जहां चर्चा होती है वहां पदार्थ की चर्चा होती है, और पदार्थ की 3 स्टेट होते हैं सबको पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। अब ध्यान देंगे आप, द्रव और गैस एक ऐसी अवस्था था जिसको हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहां पर द्रव और गैसीय अवस्था की कोई भी चर्चा नहीं करना है, यहां सिर्फ चर्चा करना है ठोस की। तो अब आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड जो है पदार्थ और द्रव्य दोनों से, पदार्थ और ऊर्जा दोनों से मिलकर बना है, जिसमें पदार्थ का स्टडी हमको किस ब्रांच के तहत करना है, केमिस्ट्री के अंतर्गत करना है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत करना है, और ऊर्जा का स्टडी जो है किसके अंतर्गत करना है, फिजिक्स के अंतर्गत करना है। तो जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर ऊर्जा आपको बताया जाएगा, लेकिन आज हम लोग स्टडी करना है पदार्थ के जो 3 स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें से ठोस अवस्था को हम लोग चर्चा करने के आज, और ठोस अवस्था के उसी टॉपिक को रखेंगे जो जैक, हमारा जो जैक बोर्ड है वह जो सिलेबस से लॉन्च किया गया है जैक द्वारा, उसी टॉपिक को आज हम लोग ठोस अवस्था के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए डिलीट करते हैं, देखिए ध्यान से। तो पहला जो हम टाइटल आपको बनाए थे पिछले वीडियो में 1.1 था ठोसों का प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड से भी आपको जानना है, टाइप्स ऑफ सॉलिड से पहले जानना है कि ठोस होता क्या है, ठोस होता क्या है, मतलब पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसमें से ठोस अवस्था होता क्या है। तो लगभग सभी विद्यार्थी को पता होगा, अगर मैं इंट्रो की बात करूं, इसका इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो सबको पता होगा कि ठोस में पार्टिकल्स किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं, द्रव में कैसे होते हैं और गैस में कैसे होते हैं। देखिए यहां पर कि ठोस में अगर पार्टिकल्स की बात करें तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, मतलब कणों का। और वे कण क्या क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पर डीप में कर दूं, वे कण होते हैं अणु, परमाणु या आयन।
अब इन तीनों कणों को बोला जाता है अवयवी कण, अवयवी कण। तब यहीं से हमारा परिभाषा निकल कर आता है कि पदार्थ की वे अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं या संकुलित होते हैं ठोस अवस्था कहलाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि प्रबल अंतरा आणविक बल क्या होता है। तो यहां जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहां मॉलिक्यूल्स हैं, यहां मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है जो ठोस में काम करता है। देखिए लिक्विड के पार्टिकल्स में भी फोर्स काम करता है लेकिन वहां वीक काम करता है। अच्छा अगर गैसीय स्टेट में जाएंगे आप तो गैस में भी, गैस में तो पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं तो वहां किसी प्रकार का फोर्स काम नहीं करता है। लेकिन ठोस, ठोस में पार्टिकल्स, आपको पता है कि ठोस में पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स जो इसमें होते हैं केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, अपना एक जगह से दूसरे जगह वो मूव नहीं कर सकते हैं, अपने स्थान पर अपने फिक्स्ड प्लेस पर वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा देखा गया है कि पार्टिकल थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल्स यहां पर दूर दूर होते हैं इसलिए मूव कर सकते हैं, लेकिन मूव करने के दरमियान भी इस पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वान डर वाल्स बल। और यहां जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ की वे अवस्था जिसमें अवयवी कण, अच्छा अवयवी कण क्या क्या हो जाएगा, तो अणु हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा और आयन हो जाएगा। अच्छा इन तीनों का अरेंजमेंट यदि इस प्रकार से हो कि वे आपस में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े हो तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है ठोस अवस्था। तो आइए देखते हैं ठोस अवस्था का डिफिनेशन। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आप समझ रहे हैं, अणु, परमाणु और आयन आपस में प्रबल अंतरा आण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं या बाउंडेड होते हैं, मतलब संकुलित होते हैं, संकुलित होते हैं ठोस अवस्था कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा अभी जो अवयवी कण आप देख रहे हैं ये ठोस का पार्टिकल्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्टर ऑफ सॉलिड बताओ मतलब सॉलिड का आप निर्माता का नाम बताइए, तो आप बताएंगे कि सॉलिड का निर्माता है अवयवी कण जो अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं, और इनके बीच कौन सा बल काम करता है, तो प्रबल अंतरा आण्विक आकर्षण बल काम करता है। अच्छा अगर इसके लक्षण की बात करें, अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, कि ठोस का करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अगर इसके लक्षण की बात करें, जनरली विद्यार्थी होते क्या है कि डिफिनेशन को वो ऐसे याद कर लेते हैं कि जिनके आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। तो आइए वो करैक्टरिस्टिक्स में है, गुणधर्म में है, जैसे एनसीईआरटी आप टॉपिक को पलटेंगे तो वहां पर अगला टाइटल ही आपको मिलेगा कि ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। तो हम लोग भी चर्चा करते हैं ठोसों के सामान्य अभिलक्षण, और उसके बाद हम लोग जो जैक का सिलेबस दिया गया है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो गुणधर्म में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयतन होता है, आयतन और इसका आकृति जो होता है वो निश्चित होता है, निश्चित। अच्छा अगर किसी विद्यार्थी को नोट्स में कोई परेशानी होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज करेगा, मैं उसको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो नोट्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है गुण में कि इसका आयतन और आकृति जो है दोनों निश्चित होता है, क्योंकि अगर ठोस पर आप बाहरी दाब आरोपित करते हैं तो उसके आकार में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसका आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और आकृति, क्योंकि ठोस जो है आकृति डिफिनिट होता है, अगर किसी ठोस को अगर आप देखोगे तो उसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं,
ठीक है, उसको आप आकृति को बना सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आकृति जैसे किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हैं तो आता है आपका 6 फीट आता है, ठीक है, ध्यान से 6 फीट आया या 7 आया, तो एक फिक्स है, तो फिक्स है इसका मतलब कि वो सॉलिड है, और सॉलिड है तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि इसका आयतन और आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। और जनरली ऐसे ठोस अवस्था का डिफिनेशन में भी बोला जाता है कि वे अवस्था जिसकी आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। तो आइए पहला गुण में हमने समझ लिया कि इसका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। और आयतन इसलिए निश्चित होता है क्योंकि इस पर बाहरी दाब यदि आप आरोपित करते हैं, बाह्य दाब यदि आरोपित करते हैं तो इसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, ठीक है, मतलब कंप्रेसिबल होता है, संपीड्य मतलब संपीड्य, देखिए यहां पर किसी प्रकार के आकृति को इसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको आप दबा नहीं सकते हैं, इसलिए इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। अगर मैं दूसरा गुणधर्म की अगर बात करूं कि इसमें वो जो बल है जो आप अभी पढ़े अंतरा आणविक बल, तो अंतरा आणविक बल जो होता है यहां पर प्रबल होता है। अंतरा आणविक बल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है प्रबल। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर बात करूं अंतरा आणविक दूरियां की, अंतरा आणविक दूरियां की बात करूं तो ये तो लघु होता है, देखिए लघु मीन छोटा। अब इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, बहुत कम है, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, बहुत कम है। बोल सकते हैं कि अंतरा आणविक जो दूरियां होती हैं ठोस में, ठोस का चूंकि हम लोग अभी लक्षण पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि ठोस का जो अवयवी कणों के मध्य जो दूरियां होती है उसी को कहा जाता है अंतरा आणविक दूरियां, मतलब दो अणुओं के मध्य जो दूरी होगा क्या कहलाएगा, अंतरा आणविक दूरियां। तो अगर इस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में आपसे अगर कोई पूछे कि यहां पर बताओ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसका गलनांक और क्वथनांक की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं कि ठोस का क्या होता है, तो ठोस का मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है जहां से पदार्थ की अवस्था सॉलिड से किस में जाता है, लिक्विड में जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी एक प्रकार का टेम्परेचर है जहां पर आपका लिक्विड से क्या आ जाएगा, अवस्था चेंज करेगा, गैस में चेंज करेगा। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। तो आगे चौथा प्रॉपर्टीज है, ये चार प्रॉपर्टीज है, देख ले ध्यान से। पहला प्रॉपर्टीज था इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, दूसरा प्रॉपर्टीज था इसके अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, तीसरा अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, और चौथा देखा जाए कि एमपी और बीपी इसका उच्च होता है। और अगर पांचवा की बात करें डेंसिटी का, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व ठोस का क्या होगा भाई, तो घनत्व भी उच्च होता है। अब कंप्रेशन द्रव से तो आपको करना नहीं है क्योंकि यहां पर द्रव नहीं पढ़ना है, तो द्रव का डेंसिटी है ठोस के कंप्रेशन में जो है कम होता है। लेकिन आपको याद करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में पहला पॉइंट कि इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। अंतरा आइए अब देखते हैं हम लोग कि ठोसों का प्रकार, ठोसों का प्रकार अभी हम आपको बताएं कि अवयवी कणों के अरेंजमेंट के आधार पर, अवयवी कणों का जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है सॉलिड में, उसके आधार पर हम लोग ठोसों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखते हैं। पहला है जिसमें क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को अच्छा से पढ़ते हैं। तो अभी हमने बताया आपको कि अगर अवयवी कणों का अरेंजमेंट निश्चित तौर पे हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, जैसे इस टाइप से अवयवी कण ए जैसे है, अवयवी कणों को गोले के रूप में माना जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, यहां पर स्फेरिकल बना दे, देखो गोला। अवयवी कणों के यदि अरेंजमेंट इस टाइप से हो देखिए दो कंडीशन हमारा निकल के आ रहा है। पहला जो व्यवस्था है अवयवी कणों का, किसका, कणों का, वो कैसे होना चाहिए, निश्चित क्रम में होना चाहिए पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो कणों का जो परास होता है वो दीर्घ होना चाहिए, ठीक है,
अब इसका मतलब समझिए, दीर का मतलब समझिए, यहां पर एक अव्यविकरण है, यहां पर अव्यविकरण है, यहां पर अव्यविकरण है, ऐसे ऐसे पूरा चलते जा रहा है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट चलते जा रहा है। अगर यही चीज अगर यहां पर अव्यविकरण रहता, एक यहां पर रहता और यहां पर छोटा हो जाता और यहां पर फिर बड़ा हो जाता और यहां पर और फिर यहां छोटा हो जाता, अगर इस प्रकार से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता तो हम लोग बोलते कि जो परास है अव्यविकणों का, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो परास है, जो रेंज है, वो आपका लघु है। देखिए तुरंत चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अच्छा, इसमें चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए अगर इस प्रकार से व्यवस्था हो कि कणों का जो अरेंजमेंट हो किस क्रम में हो, निश्चित क्रम में हो, और यदि उसका परास क्या हो, दीर्घ हो, तो वैसे ठोस को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, मैं आपको पहला क्लास तक लैंग्वेज लिख रहा हूं बोर्ड पर, अगर आप लैंग्वेज खुद से लिख लेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लैंग्वेज हम लिखे कि नहीं बोर्ड पर। ऐसे मैं समझा दे रहा हूं, इसी चीज को डिफिनेशन में भी मैं लिख दे रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए, मैं इसी चीज को डिफिनेशन इसको परिभाषित कर दे रहा हूं। तो यहां पर लिखना है, वे ठोस जिनके अवयवीकरण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं या निश्चित क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनका परास दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। समझ में बात आ रही है आपको? वे ठोस जिनके अव्यविकण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनका परास दीर्घ होता है, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। आइए इसका जैसे की बात करें तो जैसे में आएगा चीनी, दूसरा जैसे आएगा NaCl भी आप ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, NaCl और चीनी, अब चीनी का अगर साइज की बात करें तो चीनी मार्केट में बहुत सारे साइज में अवेलेबल होता है, छोटा साइज में या बड़ा साइज में या कट मिश्र भी जिसको आप बोलते हैं, तो अगर सबका आकार की बात करें तो इस आकार में ही सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब कि अगर छोटा चीनी का भी आकार लीजिए, अगर उसका शेप बनाइएगा तो इस टाइप से दिखेगा, बड़ा चीनी भी लीजिएगा तो इसी टाइप का दिखेगा, उससे छोटा भी लीजिएगा तो इसी टाइप का दिखेगा। अगर NaCl का अरेंजमेंट की बात करें तो इस प्रकार से अरेंजमेंट NaCl का होता है, जैसे देखिए यहां Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na, अब यहां पर देखिए Na प्लस हो गया, यहां पर आ जाएगा Cl माइनस, Na प्लस। आगे चल के आप देखेंगे तो पता चलेगा कि NaCl में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो आपको निश्चित क्रम में होता है, मतलब इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। तो इस प्रकार के जो अव्यवी कणों का अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि वे ठोस जिनके अव्यवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनका परास जो है दीर्घ होता है, इनका परास क्या होता है? दीर्घ होता है, इनका। आप एक बार, माइक का आवाज नहीं आ रहा था, एक बार मैं फिर से रिपीट करता रहा हूं कि वे ठोस जिनके अव्यविकरण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनका परास दीर्घ होता है। परास का मतलब देखिए, जो रेगुलर अरेंजमेंट है अगर थोड़ा सा ऐसे हो जाता और ऐसे हो जाता तो ये लघु परास हो जाता और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता। तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि वे ठोस जिनके अव्यविकरण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा इनका परास जो है वो दीर्घ होता है, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे चीनी, NaCl, हीरा, जो भी आप रखिए आगे, इटीसी। तो चलिए आगे चलते हैं और क्रिस्टलीय ठोस की ओर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो पूछेंगे, कमेंट करेंगे, उनको कॉल करके समझा दिया जाएगा। आइए देखिए, नंबर बी पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस।
अक्रिस्टलीय ठोस, एमोरफस सॉलिड। अगर एमोरफस की बात करें तो एमोरफस जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है जिसका इंडियन मीनिंग होता है नॉट शेप, मतलब आकार नहीं होना, आकार का नहीं होना। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे ठोस जिनका कोई आकार नहीं होता है, जिनका कोई आकार नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का डिफाइन हम लोग अवयवी कणों के अरेंजमेंट पे दिए हैं, तो इसका भी डिफिनेशन हम अवयवी कणों के अरेंजमेंट पर ही देंगे। तो लिखेंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते, नहीं होते, तथा इनका पार्टिकल्स का जो परास होगा, तथा इनका परास, इनका परास लघु होता है, लघु होता है, कौन सा ठोस कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अच्छा देखिए, परास का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां एक कण है, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप से रहेगा। तो देखिए परास जो रेगुलर अरेंजमेंट हो गया, इसका जो रेंज हो गया, ये तुरंत बदल जा रहा है, तो लघु हो गया। देखिए यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है, दम लघु है, तो इसका परास लघु है। और देखिए अवयवी कणों का अरेंजमेंट भी, अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल इसी का ले लू, तो देखिए यहां से यहां तक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, दम नजदीक करके दिखा दूं, यहां से यहां तक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, लेकिन यहां के बाद देखिए आगे अवयवी कणों का आपको रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हम मार्कर लिए हैं ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है, एमोरफस ठोस है। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल में आप रबर ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, देखिए रबर और प्लास्टिक और कांच भी ले सकते हैं। अच्छा अक्रिस्टलीय की बात करें कि अक्रिस्टलीय ठोस को और ठोस के नाम से जानते हैं, जैसे इसको आभासी ठोस भी कहते हैं, आभासी ठोस क्योंकि ये रियल में ठोस नहीं होता है, इसको आभासी ठोस कहते हैं। और एक ठोस इसका जानते हैं अतिशीतित द्रव भी इसको कहते हैं, अतिशीतित द्रव। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर कांच को आप हीट करोगे, अगर कांच को आप हीट करोगे या प्लास्टिक को आप हीट करोगे, तो एकाएक जो है लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होता है, पहले वो मुलायम होता है और उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो लिक्विड के समान उसमें फ्लो करने का कैपेसिटी नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। लिक्विड में क्या है, फ्लो करता है लिक्विड, ठोस में पार्टिकल्स फ्लो नहीं करता है, लिक्विड में फ्लो करता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में भी ऐसा देखा गया कि फ्लो तो होता है, फ्लो का प्रॉपर्टीज है, लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है उसके कंपेरिजन में थोड़ा धीमा होता है, लेकिन फ्लो तो हुआ, तो फ्लो हुआ, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें द्रव के समान प्रवाह होने का कैपेसिटी होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग और नाम से जानते हैं, आभासी ठोस के नाम से जानते हैं और अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। अच्छा ये अगर नाम आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको हेल्पफुल होगा, और जब डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का, जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां भी आपको डिफरेंस करने में हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए अभी हम लोग देखें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन विद एग्जांपल के साथ। तो क्रिस्टलीय ठोस को एक बार और समझना, क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, तो जिनका अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और जिनका कणों का जो परास है वो दीर्घ होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जबकि वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा उनका जो परास, कणों का जो परास होता है वो लघु होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस एमोरफस सॉलिड, एमोरफस को अगर देखा जाए इंडियन मीनिंग के अनुसार तो इसका इंडियन मीनिंग होता है आकार का नहीं होना। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं जिसका ज्यामितीय आकार नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को दो और नामों से जानते हैं हम लोग, आभासी ठोस और अतिशीतित द्रव। अब आपको उस क्वेश्चन से हम आपको अवगत कराते हैं जो जैक में हमेशा पूछा जाता है,
एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें हमेशा पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो आइए हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच अंतर। देखिए पहले एक लाइन खींच लेंगे, मेरे साथ आप भी अंतर लिखते चले। सबसे पहला बॉक्स में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा बॉक्स में लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें लिखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा में अमोर्फस सॉलिड। तो पहला टाइटल अगर इसके अंतर्गत रखें, अच्छा इधर मैं अगर थोड़ा सा बात कर लूं, इधर मैं गुण लिख देता हूं, गुण प्रॉपर्टीज। तो अगर पहला प्रॉपर्टीज की बात करें, आकार की अगर बात करें, आकार में आपको अगर लिखना हो डिफरेंस दोनों में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि इनका ज्यामितीय आकार होता है, इनका ज्यामितीय आकार होता है, इनका ज्यामितीय आकार होता है। तो इसमें क्या लिख देंगे, इनका ज्यामितीय ज्यामितीय आकार नहीं होता है, नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के श्रेणी में रखता हूं, ठीक है BMP। अब ध्यान दीजिए अगर दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर इसकी प्रकृति की बात करें, इसकी नेचर की बात करें कि किस प्रकार की प्रकृति है इसका, तो ये वास्तविक ठोस के अंतर्गत आता है, वास्तविक ठोस, और ये आपका अभी मैं तुरंत बताया आभासी ठोस होता है, आभासी ठोस होता है, ये वास्तविक ठोस होता है। अच्छा तीसरा प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, तीसरा प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं उसी प्रॉपर्टीज को आपको समझा देना चाहता हूं, गलनांक, गलनांक की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करूं, तो गलनांक जो है इनका गलनांक की अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस का, तो इनका गलनांक जो है निश्चित होता है, मैं अभी तुरंत समझा दे रहा हूं, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक जो है वो निश्चित होता है, लेकिन इनका गलनांक निश्चित न होकर एक परास में होता है। थोड़ा सा बता दूं कि इनका गलनांक मतलब एमपी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक निश्चित न होकर, निश्चित न होकर एक परास में होता है, एक परास में होता है। अच्छा कोई भी क्रिस्टलीय ठोस को अगर आप लेते हैं तो कितना टेम्परेचर पर गलता है तो फिक्स है। जैसे आप मान लो कि एक आप NaCl ले लो, सॉलिड ले लो, ठीक है NaCl आप ले लिए, क्रिस्टलीय ठोस ले लिया, या आप चीनी ही ले लिए, तो कितना टेम्परेचर पर गलेगा ये टेम्परेचर इसका फिक्स होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें, मैं प्लास्टिक की अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक को यदि आप अलग हीट करते हैं तो वो पहले मुलायम होगा, पहले वो क्या होगा मुलायम होगा, उसके बाद वो थोड़ा सा मुलायम होता सिकुड़ता है और उसके बाद लिक्विड में आता है। तो आप वहां पर निश्चित टेम्परेचर या अनिश्चित भी नहीं दे सकते हैं कि इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका गलनांक अनिश्चित होता है, ऐसा नहीं होता है। इनका एमपी मेल्टिंग पॉइंट निश्चित ना होकर एक परास में होता है, कहने का मतलब कि 110 डिग्री सेल्सियस पर वो पहले पिघलेगा मतलब मुलायम होगा, और 115 से लेकर 120 या 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इसलिए इनका मैं डिफरेंस ऐसे अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है वहां, लेकिन यहाँ पर उल्टा नहीं होगा, इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका
गलनांक निश्चित न होकर एक परास में होता है, मतलब एक रेंज आ जाता है कि भाई अक्रिस्टलीय जो ठोस है वो उनका जो गलनांक होता है निश्चित न होकर एक परास में होता है, जैसे कि 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस पर होगा या 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो तीसरा हो गया अंतर। और चौथा और लास्ट अंतर की बात करते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो 3 नंबर का आता है, तो आपको वहां पर 3 ही डिफरेंस लिखना है। तो मैं चौथा डिफरेंस आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैशिकता दिया हुआ है, तो दैशिकता को मैं थोड़ा सा समझा दूं। दैशिकता, ये दैशिकता क्या चीज है, तो चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और उसके बाद बताते हैं। दैशिकता को मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, देखिए दैशिकता क्या है, पहले दैशिकता को जान लें अच्छा से कि दैशिकता क्या है, और फिर हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि इसमें विषम दैशिक होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषम दैशिक होता है और अक्रिस्टलीय ठोस सम दैशिक होता है। पहले मैं लिख लूं उसके बाद समझा दे रहा हूं। तो ये जो है ये ठोस विषम दैशिक होता है, विषम दैशिक होता है, और यहां लिखेंगे ये ठोस समदैशिक होता है, समदैशिक होता है। तो देखिए एक ठोस की अगर गुण की बात करें, एक ठोस की अगर गुण की बात करें तो अगर वो गुण प्रतिरोध प्रतिरोध हो या चालकता हो या अपवर्तनांक हो, अपवर्तनांक हो, अब ध्यान से देखिएगा ये 3 गुण प्रतिरोध आप जानते हैं, प्रतिरोध प्रतिरोध जानते हैं ना, धारा प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, चालकता चालकता मतलब धारा प्रवाही, ठीक है, धारा प्रवाह फिजिक्स में सारा चीज को आपको समझाया गया है, चालकता का रेंज होता है, इसका भी परास आगे चले के देखेंगे हम लोग। उसके बाद अपवर्तनांक, अगर किसी भी ठोस में, ध्यान से समझेंगे मेरी बात, अगर किसी भी ठोस में प्रतिरोध चालकता अपवर्तनांक, अगर किसी भी ठोस को अगर विभिन्न दिशाओं में आप दोहराते हैं, विभिन्न दिशाओं में यदि आप घुमाकर देखते हैं, तो अगर प्रतिरोध और चालकता अपवर्तनांक में अगर परिवर्तन हो गया, इनके मानों में यदि परिवर्तन हो गया, तो समझ लेना कि वो विषम दैशिक है। वो क्या है, विषम दैशिक है। जैसे मैं क्रिस्टलीय ठोस का अगर एग्जाम्पल लेकर बताऊं कि ये क्रिस्टलीय ठोसों के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है इस प्रकार से, तो अगर मैं इसकी चालकता का मेजरमेंट करूं तो अगर इस दिशा में करूंगा, इस दिशा में करूंगा, देखिए इस दिशा में करूंगा तो ये आपका अरेंजमेंट इस प्रकार से मिला हमारा, एक जैसे एक नंबर पार्टिकल्स है, 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, 4 नंबर मिला, ठीक है। अगर मैं इस दिशा में करूंगा तो यहां देखिए 1, 1, 2, 3, अगर मैं इस दिशा में करूंगा तो 2 नंबर का पार्टिकल्स मिला और यहां 3 नंबर का मिला पार्टिकल्स। तो अगर इस दिशा में हम करेंगे तो वहां पर प्रतिरोध अलग आ जाएगा और इस दिशा में करूंगा तो प्रतिरोध अलग आ जाएगा। तो कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो दैशिकता का प्रॉपर्टीज देखा गया है वो विषम दैशिक होता है, मतलब प्रतिरोध चालकता अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न हो जाता है। इस कारण से हम बोलते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषम दैशिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसका जस्ट उल्टा जो है, इसका तो कोई फिक्स आकृति होता नहीं है, इसका तो कोई फिक्स आकृति नहीं होता है, इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो है विभिन्न दिशाओं में अगर हम प्रतिरोध का मापन करें या चालकता की मापन करें तो वो समान आता है, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया है कि अगर अक्रिस्टलीय ठोसों का यदि आप मेजरमेंट कर रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में प्रतिरोध का मेजरमेंट कर रहे हैं या चालकता का मेजरमेंट कर रहे हैं या अपवर्तनांक का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लगभग मतलब सभी का जो मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता है लगभग एक समान होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वे समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। तो यह हमारा रहा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच अंतर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। अब आगे चलकर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। मैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण आपको बता दूं कि ठोसों में जो उपस्थित होता है प्रबल अंतरावधिक आकर्षण बल, उसी के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आयनिक ठोस, दूसरा आण्विक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक ठोस। मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दूं कि आयनिक ठोस जिसका अभिकर्ण आयन होगा,
आण्विक ठोस जिसका अवयविकरण अणु होगा। अच्छा, आण्विक ठोस को भी तीन वर्गों में बांटा गया है। उसमें बांटा गया है पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस, नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर से हिंदी में बता दूं कि आण्विक ठोस को भी तीन वर्गों में रखा गया है। तो सबसे पहला ध्रुवीय आण्विक ठोस, तीसरा अध्रुवीय आण्विक ठोस और उसमें तीसरा। देखिए, पहला आपका हो गया ध्रुवीय आण्विक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आण्विक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस। तो आण्विक ठोस में भी आपको तीन प्रकार के ठोस पढ़ने हैं, फिर आपका धात्विक ठोस आता है और फिर आपका स्वसंयोजक ठोस आता है। तो अगर इतना चीज कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो 1.1 का जो सिलेबस है ये आपको समाप्त हो जाएगा। तो मैं अभी देख लेता हूं कि वीडियो कितना लंबा हुआ है। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो गया होगा तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे, और अगर शॉर्ट होगा तो फिर इसी वीडियो में हम इसको पढ़ा देते हैं। ठीक है।